जो है देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है और इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। धर्म पथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सुरेश देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है, ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है, ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। गणेश पूजा में गदर, दंगाई निडर। सूरत, लखनऊ और अब कर्नाटक, कौन दे रहा नफरतियों को ऑर्डर? 3 दिन और हिंसा की 3 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया और अब कर्नाटक में मांड्या में गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोक कर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा और फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं। गणेश यात्रा के दौरान जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया होगा और पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा, तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा? जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला में बवाल की ये घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर उपद्रवियों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती, तब तक उपद्रवियों ने आसपास की कई दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पहले लाठी चार्ज किया और फिर भी जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल हिंसा की इस घटना के बाद मंडिया में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हुए हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और मंडिया जिले में धारा 163 लागू किया गया है। शहर के सारे स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक वहाँ गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद गणेश यात्रा स्थगित कर दी गई और गणेश प्रतिमा को अस्थायी रूप से एक मंदिर के पास रखा गया। श्रद्धालु यात्रा में खलल डालने वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मंडिया में शांति व्यवस्था कायम करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मांड्या में कौन नफरती पत्थर चला रहा है और क्या कुछ हालात है, हमारे सहयोगी नागेंद्र बाबू की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। के लिए एक पोजीशन आने का समय पे एक जय श्री राम एक स्लोगन समय में बहुत सारे लोग, मतलब एक 20 से 30 लोग आके उसको रोकने के लिए ट्राई भी कर सकते, ट्राई करने के समय पे झगड़ा होता है। वो उसका बाद पूरा नागमंगला में बहुत सारा जगह पे आग लगाने का काम भी हो चुका है। अभी मैं एक जगह का सामने में खड़ा हूँ, एक शोरूम दिख रहा है हमको, बजाज बाइक शोरूम। ये बजाज बाइक शोरूम का अंदर 15 बाइक था, वो 15 बाइक में 6 बाइक अभी इधर है, उस बाद पूरा 7 कम से कम 9 बाइक को इधर से थोड़ा लोग इधर आके उसको खींच के बाहर लेके आके उसको आग भी डाल चुका है। देखिए अभी इधर देख रहे हैं हम लोग कैसा इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर को इधर पत्थर से इधर मारा है, अभी देख सकते हैं। देखिए सुरेश देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है, ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है, ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। देखिए अभी इधर सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारा पूरा रिकॉर्ड हुआ है। कम से कम 8 से 10 लोग ये शोरूम का अंदर आके इधर का बाइक को खींच के बाहर लेके आके उसको आग भी लगा चुका था। सो देखिए मैं वो भी जगह आपको मैं दिखाता हूँ इधर का लोग कैसे कैसे किया है। देखिए उधर एक दुकान दिख रहा है हमको, एक हार्डवेयर शॉप दिख रहा है। हार्डवेयर का अंदर उन्होंने एक लोकलाइट ने रिपब्लिक कर्नाटक को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कल रात। ये देखिए इधर का बाइक कैसा आग लग चुका था। ये देखिए इधर एक हार्डवेयर शॉप भी है, ये हार्डवेयर शॉप का अंदर देखिए एक बड़ा लकड़ी को लेके आके इसको उठा के उसका अंदर पेट्रोल बॉम्ब फेंका था कल। इधर का एक
इधर का लोकलेट ने रिपब्लिक कर्नाटक को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये देखिए ये पूरा बोरवेल का यूज़ करने का मशीनरी था, ये पूरा मशीनरी को उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब पे के ये पूरा आग लगाने के वो ऐसा हुआ है बोल के लोकलेट ने हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और एक दुकान को मैं आपको दिखाता हूँ, एक टी शॉप था, वो टी शॉप भी कैसा डैमेज हो चुका है हम उसको देख सकते हैं। देखिए उधर एक टी शॉप है, वो पूरा डैमेज हो चुका है। देखिए पूरा पुलिस लोग अभी इधर डिप्लॉय भी किया है, क्योंकि कभी भी इधर हालत फिर ख़राब हो सकता है। इसका वजह से पूरा स्क्वाड को इधर लेके आके सिक्योरिटी के अलर्ट करके है। ये देखिए एक टी शॉप का हालत कैसा हुआ है, देखिए पूरा इधर का एक टीवी हमने दिख रहा है, टीवी भी टूटा है, पूरा डैमेज कर चुका है। देखिए दुकान का अंदर आके इसको पूरा डैमेज करने का ट्राई भी किया है। देखिए एक एक थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको इसको लेके आके इससे पूरा ये ग्लास को तोड़ा है। और ये देखिए ये बियर बॉटल भी इधर पड़ा है, इसका अंदर पेट्रोल डाल के इसको इधर इसका अंदर फेंकने का ट्राई भी किया बोल के इधर का एक्स एमएलए सुरेश गोड़ा अभी रिपब्लिक का मीडिया नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन दे चुका है। देखिए सवाल बड़ा है, चंडीगढ़ में जो धमाका हुआ है इसका आका क्या रेंदा है। दरअसल बुधवार की शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक हमला होता है, घर में घुसकर कुछ संदिग्ध जो है हमला कर देते हैं। अब इसके पीछे जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का तो इसके पीछे हाथ नहीं है। हालांकि सब कुछ जो है तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। ऐसे में परिवार के लोगों से भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जहां पर यह हमला हुआ है उस पूरे एरिया को सील किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चंडीगढ़ ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन, ब्लास्ट के पीछे आतंकी रिंदा का हाथ। जांच एजेंसियों के हाथ लगे कुछ बड़े सुराग। चंडीगढ़ का पॉश इलाका सेक्टर 10 बुधवार को ग्रेनेड हमले से दहल गया। ऑटो से आए संदिग्ध बदमाशों ने घर के अंदर ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड के ब्लास्ट से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। जहां ग्रेनेड गिरा वहां 7 से 8 इंच का गड्ढा हो गया। इस हमले से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी ऑटो में बैठकर हमलावर आए थे और ग्रेनेड फेंक कर मौके से फरार हो गए। अब इस घटना को लेकर बड़ा आतंकी कनेक्शन सामने आया है। शक जताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकी रिंदा के इशारे पर यह हमला किया गया है। पुलिस को शक है कि हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठे गैंगस्टर हैप्पी पासिया का हाथ है।